अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ उसके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई असाइनमेंट सोल्यूशन या GDB सोल्यूशन के हवाले से कोई वीडियो आए तो वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के नाम से एक चैनल शुरू किया है, जिसके ऊपर मैंने आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, C++ है और बहुत सारे हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैंने वहाँ पर आपके लिए रखे हैं। तो मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग उस 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के चैनल पर जाएं और वहाँ पे जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनसे भी फ़ायदा उठाएं। उसका जो URL है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है और आपको इस वीडियो के अख्ताम पे भी मिलेगा। और मैं भी आपको बता देता हूँ, www.youtube.com/teachersonlineforyou। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो CS601 डेटा कम्युनिकेशन की, जो हमारी असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग जो है अपनी असाइनमेंट देखते हैं। लेकिन असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो जितनी भी वीडियोस बनाता हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं। तो अगर किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई प्लस माइनस में गलती हो जाती है, तो आप लोग उसे अपने एंड पे ठीक कर लिया करें। तो चलते हैं जी अपनी असाइनमेंट की तरफ। और इस असाइनमेंट में मैं आपको बताता चलूं कि हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, अब बिलो गिवन डायग्राम इफ रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम। यह हमें मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम के बारे में बता रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली एनालाइज द डायग्राम एंड देन राइट द बाइनरी पैटर्न रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। हमने जो है इस डायग्राम का बाइनरी पैटर्न बताना है। सेकंड वन क्वेश्चन इज, डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डायग्राम गिवन बिलो। हमें एक डायग्राम दी गई है जो आपको नीचे नजर आ रही है, इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने कैलकुलेट करना है पीरियड इन मिली सेकेंड, और फिर हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, और फिर हमने कैलकुलेट करना है फेज शिफ्ट। दोस्तों, मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लियर समझ आ जाएगा कि कैसे हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं और कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और कैसे फेज शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस असाइनमेंट इज, पोव पावर पी ऑफ सिग्नल इंक्रीज 30 टाइम आफ्टर पासिंग थ्रू एन एम्पलीफायर। एक हमारा जो सिग्नल है उसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई है 30 टाइम बाय राइटिंग ऑल नेसेसरी फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन स्टेप्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एम्पलीफिकेशन पावर गेन इन प्रॉपर यूनिट। आप कैसे मतलब उसकी पावर कैलकुलेट करोगे, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये है हमारी इस असाइनमेंट की 3 रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था वो ये था कि हमें जो है एक मैनचेस्टर इनकोडिंग टेबल दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और उसमें हमने बाइनरी उसकी बतानी है। तो सबसे पहले ये एक लाइन दी हुई है और एक वर्टिकल लाइन दी हुई है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले जो है ये एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ, जिसके अंदर हमने जो है बाइनरी जो फॉर्मेट आएगा वो इसके अंदर लिखेंगे। अब साथ के साथ जो है मैं हर सिग्नल जितना वो ट्रेवल करेगा वो यहाँ पे जो है वो मैंने डिफरेंट पार्ट्स लगा के उनको प्रोपोर्शनाइज कर दिया है कि एक सिग्नल जो है हमारा एक इस पार्ट के अंदर ट्रेवल करेगा। अब जो फर्स्ट है वो हमारा देखें, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट कलर के जरिए जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको रिप्रेजेंट करिए। जब हमारा सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैनचेस्टर इनकोडिंग के अंदर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से।
और जब सिग्नल हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन से, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसे जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और जीरो जो है वो हमारा फर्स्ट बाइनरी डिजिट है। तो इफ ये जो नीचे मैंने एक टेबल, हमें असाइनमेंट के अंदर भी ऐसे ही फॉर्मेट दिया गया कि हमने टेबल के अंदर बताना है बाइनरी फॉर्मेट का, तो यहाँ पे भी मैंने जीरो लिख दिया। अब हम दूसरी ब्लॉक की बात करते हैं, तो उसमें देखें हमारा जो सिग्नल है वो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। और मैंने आपको ये बताया है कि जब हमारा सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा तो वो हमारा हम उसे वन कंसिडर करेंगे, और वन को फिर इसी तरह अपने इस आंसर वाले टेबल के अंदर जो है हम लिख लेंगे, तो ये हमारा वन आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल है वो देखें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा जीरो होगा, तो इसको हमने जीरो लिखा और नीचे टेबल के अंदर भी हमने जीरो को प्लेस कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट के अंदर फिर हमारा जो सिग्नल है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो बाइनरी बिट होगी वो भी जीरो होगी, और फिर मैं टेबल में भी इसको जीरो लिख लेता हूँ। आगे नेक्स्ट जो है वो फिर नीचे से ऊपर की तरफ है, और इसका मतलब भी यही है कि ये भी जो बाइनरी है वो जीरो बिट होगी, और इसको भी मैं जीरो लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये देखें ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इसलिए हमारा ये जो है वन आएगा, और नीचे इस टेबल के अंदर जो है इसके अंदर भी मैं वन लिख लेता हूं। नेक्स्ट जो है फिर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल है, इसको भी मैं वन से रिप्रेजेंट करता हूं और नीचे टेबल के अंदर भी वन लिख दिया। अगला सिग्नल भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है, उसको भी हम वन लिखेंगे और टेबल में भी मैंने वन लिख दिया। अब जो लास्ट है हमारा सिग्नल, वो हमारा देखें नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसको हमने पढ़ा है कि जब सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस आंसर वाले टेबल के अंदर भी मैंने जीरो लिख लिया। तो देखें हमारे पास जो बाइनरी मैनचेस्टर इनकोडिंग की बाइनरी आई है वो है 0 1 0 0 0 1 1 1 और 0, मतलब फर्स्ट जीरो है, फिर वन है, फिर थ्री टाइम जीरो है, फिर थ्री टाइम वन है, और फिर जीरो है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है वो सॉल्व हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने कैलकुलेट करनी है तीन चीजें, एक फेज, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा पीरियड। अब सबसे जो पहला ब्लॉक है वो है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें जो है वो नीचे एक डायग्राम दी गई है, तो मैं वैसे ही एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक वर्टिकल, और ये वही ब्लॉक हैं जिनके अंदर सिग्नल एक ट्रेवल करेगा और नीचे जो है, अब यहां पे देखें, अब ये यहां से लेके यहां तक जो है ये एक सिग्नल मैं काउंट कर रहा हूं, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, तो यहां पे वन लिखा मैंने, फिर ये हमारा दूसरा हो गया ब्लॉक, इसको टू लिखा, फिर यहां पे तीसरा हो गया, इसको थ्री लिखा, और फिर यहाँ पे चौथा हो गया, इसको हमने फोर लिखा, इसी तरह ये हमारा फाइव हो गया, इसको हमने फाइव लिखा, और इसके बाद हमारा सिक्स हो गया, इसको हमने सिक्स लिखा, इसके बाद ये सेवन हो गया, इसको हमने सेवन लिखा, के बाद एट हो गया, एट लिखा, और लास्ट जो है हमारा नाइन हो गया, तो ये नाइन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कि मतलब जो हमें पूरी एक टाइम लाइन दी गई है उसके अंदर कितने वो साइकिल ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो हमारे बनते हैं फ्रीक्वेंसी नाइन, और यहाँ पे जवाब के अंदर भी मैंने फ्रीक्वेंसी नाइन लिख दिया, लेकिन हमने चूंकि वो टेबल में लिखना है तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जो है वो मैंने एक टेबल बना दिया है जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी, पीरियड और फेज कैलकुलेट करके लिखना है, जैसे हमें असाइनमेंट में दिया हुआ। तो अब देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे जो एक पूरी टाइम लाइन दी गई है वन सेकंड की, उसके अंदर वो जितने साइकिल हैं या जितने सिग्नल हैं उनको हमने काउंट करना है और बता देना कि ये फ्रीक्वेंसी है, इतने टाइम के अंदर इतने सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो है हमारी नाइन, और यहाँ पे भी जो है फ्रीक्वेंसी मैंने नीचे नाइन डाल दिया। अब क्वेश्चन बारी आती है जी सेकेंड पॉइंट की, जो हमने कैलकुलेट करना है पीरियड।
अब पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीरियड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमें जो बुक के अंदर हैंडआउट्स के अंदर दिया गया है वो है 1/f, f से मुराद जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या किया है, अब फ्रीक्वेंसी हमने पहले निकाली हुई है 9, तो हम लिखते हैं जी 1/9। जब हमने 1/9 किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.1111। अब ये जो हमारा पीरियड कैलकुलेट हुआ है ये कैलकुलेट हुआ है सेकंड्स के अंदर, कि हमारा वो जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है एक वो पूरी टाइम लाइन के अंदर वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। अगर हमने उसका पीरियड निकालना चाहा तो वो 1/f मतलब 1/9 आ गया और उसका जो टाइम है वो है 0.111 सेकेंड। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने ये टाइम कैलकुलेट करना है मिली सेकेंड के अंदर। जब हमारे पास टाइम सेकेंड्स के अंदर हो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ, तो हमारा जो जवाब है वो बन जाता है मिली सेकेंड। तो जब मैंने 0.1111 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब है वो 111 आ गया, और 111 जो है वो मैंने पीरियड्स वाले ब्लॉक के अंदर लिख दिया। तो दोस्तों पहले हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर सिखाया कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो हमें मैंने एक ब्लॉक बना लिए डिफरेंट, हर ब्लॉक को काउंट करते चले गए तो वो हमारे पास 9 बने। उसके बाद हमने पीरियड कैलकुलेट किया, पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया वो हमने फॉर्मूला यूज किया 1/f, f f से मुराद जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 थी, 1/9 किया तो वो 0.111 आ गया। सेकेंड्स के अंदर जवाब हमने चूंकि मिली सेकंड के अंदर जवाब कैलकुलेट करना है तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो हमारे पास 111 पीरियड्स आए। अब लास्ट जो इस टेबल की बारी आती है वो है फेज। अब फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेज कैलकुलेट करने के लिए हैंडआउट से मैंने कुछ चार शेप्स आपको दिखानी है। अब वो पहली जो शेप है ये देखें, यहां पे अगर हम वैसे ही जैसे मैंने आपको शुरू में ब्लॉक बना के दिखाया ब्लॉक बनाए तो ये देखें ये एक पूरा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और इसके नीचे लिखा हुआ है नो फेज। इसी तरह अगर हम दूसरी डायग्राम को देखें तो यहां पे देखें कि फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, ब्लैक वैसे ही है जैसे हमें पिछले। अगर हमारी जो डायग्राम है वो ऐसे हो मतलब यहां पे एक ब्लॉक बनाए तो ये हाफ है, अगर हाफ वाली आएगी तो वो हमारी 90 डिग्री आ जाएगा फेज उसका। उसके बाद अब यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास आ रहा है ये एक ब्लैक ब्लॉक वैसे ही है, सिर्फ उसको चेंज किया गया है। हम अगर अपनी जो हमें डायग्राम दी गई है अगर हम उसको देखें तो वो इस थर्ड पिक्चर जैसी है, थर्ड पिक्चर जैसी है, तो इसलिए यहाँ पे जो फेज है हमारा वो 180 आएगा। इसी तरह जो लास्ट है वो 270 की भी दिखाई गई है कि अगर ये हाफ जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है तो वो हमारा 270 डिग्री फेज होगा, शिफ्ट चेंज होगा। तो अब इसमें ये जो थर्ड वाली पिक्चर है, हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल सेम ऐसे है अगर हम उसको एज अ ब्लॉक देखेंगे, तो इसलिए जो हमारा फेज है वो 180 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फिर हमने पीरियड कैलकुलेट करना है और फिर हमने फेज कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए वो मैंने आपको ब्लॉक बना के कैलकुलेट करके दिखाया, जब हमने काउंट किए तो वो हमारे पास 9 आ गया। पीरियड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 1/f है, तो जब हमने फ्रीक्वेंसी नीचे रख के उसको डिवीजन की तो वो 0.11 आ गया। उसके बाद हमने मिली सेकेंड के अंदर चाहिए था तो वो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो वो मिली सेकेंड के अंदर आ गया। उसके बाद हमने फेव को देखा, फेव की मैंने आपको चार पिक्चर्स दिखाई जो हमें हैंडआउट्स में दिखाई गई हैं। हमने ये देखना है कि हमारी जो गिवन पिक्चर है इस असाइनमेंट के अंदर वो किस पिक्चर के साथ मैच कर रही है, तो वो हमारी ये जो थर्ड वाली पिक्चर मैंने आपको दिखाई इसके साथ मैच कर रही है, तो इसलिए यहां पे मैंने 180 जो है इसका फेव डाल दिया। अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताया गया है कि हमारा जो सिग्नल है उसके अंदर जो पावर है वो 30 इंक्रीज कर गई है, तो हमने उसकी एम्पलीफिकेशन उसकी पावर गेन बताना। यहां पे मैंने आंसर का एक टेबल बना दिया, इसके अंदर हम वो लास्ट वाला आंसर निकालेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग दी पावर गेन। पावर गेन कैलकुलेट करने के बाद फिर यहां पे हम उसका आंसर लिखेंगे। अब उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि 10 log 10 और इनटू
पी टू मतलब आपकी जो पावर है 0.2 के ऊपर डिवाइडेड बाय P1, P1 से मतलब 0.1 के ऊपर जो पावर है वो आ जाएगी। अब ये 0.1 की पावर और 0.2 की पावर हम कैसे निकालेंगे, यहां पे देखें वही फॉर्मूला है 10 log 10, और P2 जो है वो हमारा बराबर होता है हमारी जो 0.2 है वो और इनटू P1 मतलब P1 की जो वैल्यू आएगी। अब हमारे पास P2 की वैल्यू तो हमें दी हुई है कि वो 30 इंक्रीज हो गया, तो वो वहां पे हमने 30 लिखा, और P1 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो वो हमने वैसे ही छोड़ दिया। आप तो देखें 30 इंटू P1 और डिवाइडेड बाय P1, जब ऊपर भी P1 होगा नीचे भी P1 होगा तो वो आपस में आपको पता है मल्टीप्लीकेशन रूल का कि वो खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास देखें अब बच जाएगा 10 log 10 और उसकी जो इंटू है वो 30 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 10 log 10 की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं साइंटिफिक, तो 10 log 10 की जो वैल्यू आती है वो 10 आती है, और 10 into 30 तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 30 dB जो है वो आंसर आ जाता है। और ये मैंने जो है वो हैंडआउट से ही देखकर यहाँ पे बनाया है, क्योंकि वहां पे हमें जो है वो पावर इंक्रीज का बताया गया, वो 10 का बताया गया, और जब 10 लॉग 10 निकालेंगे तो वो 10 और इंटू 10 जो है उसका जो आंसर निकाला गया वो 10 dB निकाला गया। तो जब यहाँ पे 30 हमने एंटर किया तो हमारा जो आंसर है वो 30 dB आ जाएगा, कि उसका जो पावर गेन है वो 30 dB है, और आंसर में भी मैंने 30 dB लिख दिया। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CS601 डेटा कम्युनिकेशन की। मेरी आप सब दोस्तों से फिर वही गुजारिश है कि आप जल्दी से www.youtube.com/teachersonlineforyou ओपन कीजिए, वहां पे आपको CS101, MGT101, CS201, आपका HTML और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप ना सिर्फ वो चैनल सब्सक्राइब करें बल्कि उसके भी बेल आइकन पे क्लिक करें, जब मेरा नया लेक्चर अपलोड हो तो वो आप लोगों तक पहुँच सके। और जिन दोस्तों ने ये वाला चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मोफिन भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी एक असाइनमेंट सॉल्यूशन या GDB सॉल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।